अपन ने पाठ संख्या चार पढ़ रहे थे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु के तो अपन ने पढ़ लिए थे और अधातु के बारे में आज अपने को पढ़ना है। जैसे धातु में ठोस द्रव गैस होती है, वैसे भी अधातु में ठोस द्रव गैस अवस्था में पाई जाती है। तो पहले इनके बारे में रासायनिक गुणों के बारे में एक बार अपन अध्ययन कर लेते हैं। सामान्यतः जो अधातुएं होते हैं वो भी ठोस द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। जैसे ठोस के अंदर कौन कौन सी अधातुएं आती है, जैसे कार्बन हो गई, सल्फर हो गई, आयोडीन हो गई, तो ये अधातुएं क्या होती है, ठोस होती है। उसके बाद द्रव, द्रव के अंदर, द्रव अधातु के अंदर ब्रोमीन आती है। ऐसी मतलब धातु है, सॉरी अधातु है जो द्रव है, तो वो कौन सी अधातु है, ब्रोमीन है। उसके बाद जो गैसें होती है अधातु के अंदर आती, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, तो विभिन्न प्रकार की जितनी भी गैसें हैं वो अधातु के अंदर आती है इस प्रकार। उसके बाद अपने को देखना है अधातुओं की जो कलर होता है वो अधातु का कलर कौन सा होता है। अधातु विभिन्न रंग की होती है, यानी विभिन्न प्रकार की रंग की होती है, और अधातु सामान्यतः कम चमकीली होती है। धातु तो क्या होती है, अधिक चमकीली होती है, और अधातु होती है वो कम चमकीली होती है, और इनका जो रंग होता है वो भुरभुरा होता है, यानी जो भुरभुरे रंग की दिखाई देती है अपने को दिखने में। उसके बाद अधातु का गलनांक कम होता है, इनका गलनांक कम होता है, घनत्व भी कम होता है। अधातु सामान्यतः इनके क्या बोलते हैं, गलनांक कम होते हैं, पर कुछ अधातु जैसे हीरा और कार्बन है जिनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे हीरा है तो इसका एक अपवाद है, तो हीरा और इसका कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट, और इनके गलनांक क्या उच्च है, तो ये अपवाद के रूप में आते हैं इसके। तो अधातु के गुणधर्म लिख लेते अपन, अधातु के गुण, अधातु के गुण कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में भी लिखना अपने, जो अभी पढ़ा उसको लिखना है। सामान्यतः अधातु ठोस कोमा द्रव कोमा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सामान्यतः अधातुएं होती है ठोस द्रव अथवा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। उसके बाद ठोस के अंदर कौन कौन सी अधातुएं होती है उनकी कुछ उदाहरण लिख लेते हैं अपन। ठोस के अंदर होती है कार्बन, कार्बन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद आयोडीन। द्रव के अंदर द्रव जो अधातु है वो ब्रोमीन है, कौन सी अधातु है, ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद गैसीय अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, और भी अधातुएं होती है जो कैसे होती है वो अधातु के रूप में पाई जाती है, पर अपन यहाँ इनके उदाहरण लिख रहे थे। दूसरा लिखना है अधातुएं विभिन्न रंग की होती है, इनका जो कलर होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। कोमा ये कम चमकीली होती है, कम चमकीली होती है। अधातुएं होती है जो कम चमकीली होती है, धातुएं होती है जो अधिक चमकीली दिखाई देती है। उसके बाद इसका जो थर्ड नंबर का पॉइंट डाल के अपने को लिखना है इनका गलनांक कम, फिर उसके बाद इनका घनत्व भी कम पाया जाता है, घनत्व भी कम होता है, कम होता है, और ऊष्मा एवं विद्युत की कुछ अलग होती है, विद्युत चालक होती है। यह अधातु के गुणधर्म है,
एक बार वापस देख लेते, सामान्य थे जो अधातु होती, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस के अंदर कार्बन सल्फर आयोडीन, द्रव के अंदर ब्रोमीन, गैस के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद अधातु में विभिन्न रंग की होती है तथा वह कम चमकीली होती है। धातु अधातु में विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं और ये कम चमकीली होती है। तीसरे गुणधर्म में ऊपर लिखा इनका गलनांक कम होता है, घनत्व भी कम होता है और ऊष्मा और विद्युत की कुछ अलग होती है। कुछ इसका अपवाद है उसको भी लिख लेते हैं। अधातु में नोट लगा के लिखना इसके बाद। यहाँ इसके बाद नोट लगा के लिखना अपने को, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के अपर रूप अपवाद है, अपवाद है। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यहां पर मैंने लिखा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप के अपवाद है। यानी अपवाद कैसे है, क्योंकि इनका गलनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका जो हीरा और ग्रेफाइट है इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं, इसीलिए ये अधातुओं का जो गुणधर्म है उसको फॉलो नहीं करते हैं। पर आते हैं अधातु के अंदर ही आते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर से कार्बन एक अधातु है तो उसके अंदर आ गए तो इसका मतलब ये अपवाद हो गए। उसके बाद अपने को धातु की रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी आने वाले। धातु ये रासायनिक अभिक्रिया करती थी, क्या बनाती, कैसे क्या होता, उनके बारे में अपने को डिस्कशन करना। तो आगे वाला जो टॉपिक डालेंगे अपन धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया, धातु जो रासायनिक अभिक्रिया करती है वो कैसे करती है, रासायनिक अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया, बहुत सारी धातुएं ऐसी है जो वायु के साथ भी अभिक्रिया करती है। और वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया, वायु का अणु तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, धातु की ऑक्साइड बनाती है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जब धातु की अगर वायु के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। फिर धातु जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, जल के साथ कैसे, जैसे लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जंग लग जाता है, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की धातुएं होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। सेकेंड पॉइंट ये होगा जल के साथ अभिक्रिया। जैसे सोडियम धातु है, इसके अगर अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाते थे, जैसे सोडियम है, सोडियम में खाने का नमक, इसके अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ अपन लिखेंगे नीचे और ये इधर H2, H2 का मतलब था हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसको अपन जल बोलते हैं और इसको अपन सोडियम बोलते हैं। जब सोडियम की अभिक्रिया
जल के साथ करवाए थे सोडियम यानी एले, एले की अभिक्रिया अगर H2O, H2O यानी पीने का जो जल होता है उसे H2O बोलते हैं। सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ बनाते तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस चिन्ह का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का निकलना, यह हाइड्रोजन गैस के रूप में दर्शाया गया है। यानी कोई भी धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोडियम धातु थी इसमें जल के साथ अभिक्रिया, ऐसे अपने लोहा होता है Fe, Fe की जल के साथ अभिक्रिया होगी फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार जो भी धातुएं होती है अधिकतर धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होती है। इसके बाद अपने को नोट डाल कर लिखना है इस सोडियम के बारे में। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इससे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। देखो सोडियम जो धातु होती है ना वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील का मतलब ये होता है अगर इसको आप खुले में रख दो तो ये अपने आप ही आग पकड़ देती है। यानी अत्यधिक क्रियाशील वायु के साथ इतनी फास्ट अभिक्रिया करती है कि फटाफट से आग पकड़ लेती है। तो इसको अपन क्या करते हैं केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो केरोसिन में डुबाने के बाद ही ये धातु सेफ रहती है, उसके अलावा अगर बाहर आपको वायुमंडल में अगर इसको ऐसे कहीं रख दो तो ये अभिक्रिया कर लेगी। ऐसे अपन ने दो लिखा था, एक तो वायु के साथ अभिक्रिया लिखी धातु की ऑक्सीजन, जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती है, यानी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती है। जल के साथ अभिक्रिया सोडियम धातु है, इसकी अपन ने हाइड्रो जल से अभिक्रिया करवाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। फिर अपन ने सोडियम के बारे में लिखा कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु, इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे धातु की मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया, सी वाला लिखेंगे थर्ड पॉइंट डाल के। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुएं होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या चीज बनाती है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसको अपने को लिखना है, कोई सी भी धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो यहाँ लिखना अपने को धातुएं अम्लों के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यानी H2 वगैरह क्वेश्चन में H2 गैस गैस, यानी अगर धातु के अगर अम्लों के साथ जो अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, गैस देते हैं। उसके बाद अपने को एक पारा धातु है उसके बारे में लिखना, पारा एक द्रव धातु होती है, पारा कौन सी धातु होती है, द्रव धातु होती है, और ब्रोमीन होती है द्रव अधातु होती है, ध्यान रखना अपने को पारा द्रव धातु है और ब्रोमीन द्रव अधातु है। और इसका पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मामीटर के अंदर किया जाता है, जो तापमापी होता है थर्मामीटर उसके अंदर पारे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ नोट डाल के लिख लेना है पारा, पारे को अपन Hg, इसका जो नोटेशन होता है वो Hg से दर्शाते हैं, इसको Hg से प्रदर्शित किया जाता है। पारे का उपयोग तापमापी कोष्ठक थर्मामीटर में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। अभी अपन ने लिखा था कि पारा जो होता है, पारा एक द्रव धातु होती है, पारा कौन सी धातु होती है, द्रव धातु होती है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, थर्मामीटर जो तापमापी होता है उसके अंदर किया जाता है। तापमापी का
क्या काम है, यानी किसी भी चीज का ताप मापने में क्या ज्यादा ताप माप, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का किसी का भी ताप मापना हो तो ताप माप से मापा जाता है। उसके बाद अपन ने देखे थे धातु की रासायनिक अभिक्रिया देखी थी। फर्स्ट तो देखी थी धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जल के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम की अपन ने जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी। और उसके बाद अपन ने पढ़ा अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। इस प्रकार अगर जो ये अपन ने पढ़ा धातु के अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन धातु की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।